मैक स्कॉट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि मैक स्कॉट कपास की बुआई के 3 दिन के भीतर हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है, और मैक स्कॉट की मात्रा जो हमें यूज करनी है वो 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करनी है। और हमें 3-4 चीजों का खास ख्याल रखना है जब हमें मैक स्कॉट का उपयोग अपने कपास के फसल के लिए करना है। सबसे पहली चीज ये है कि इसका डोज प्रॉपर 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करें। पानी 200 लीटर पानी का यूज करें, क्योंकि ये एक थंब रूल है, किसी भी हर्बिसाइड को अगर आप अच्छी मात्रा के साथ अच्छे वॉल्यूम पानी के साथ यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत प्रभावी तरीके से आपको मिलता है। तीसरा, हर्बिसाइड स्प्रे करते समय, मतलब खरपतवार नाशक स्प्रे करते समय, आप हमेशा खरपतवार नाशक स्प्रे करने का जो नोजल बनाया गया है, जिसे फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल के नाम से जानते हैं, उसका उपयोग करें। और खरपतवार नाशक जब भी यूज करें उस समय मिट्टी में नमी एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैक स्कॉट के क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि बुआई के बाद अगर हमने इसको खेत में प्रयोग किया तो वो पहले दिन से आपको खरपतवार के नियंत्रण में सहयोग करेगा। दूसरा फायदा ये है, ये कपास के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, कपास के ऊपर इसका कोई भी फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। तीसरा फायदा ये है, जैसा कि मैंने बताया कि बाजार में उपलब्ध दूसरे प्री एमर्जेंट हर्बिसाइड जो कि संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को अच्छी तरीके से नियंत्रण और लंबे समय का नियंत्रण नहीं दे पाते, मैक स्कॉट उन सारे खरपतवारों को बहुत प्रभावी तरीके से नियंत्रण करता है और एक लंबे दिनों का नियंत्रण प्रदान करता है। और चौथा सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि मैक स्कॉट भारत का पहला हर्बिसाइड है जो ZC फॉर्मुलेशन में उपलब्ध है। आपने इसके पहले कीटनाशक ZC फॉर्मुलेशन में मार्केट में उपलब्ध देखे होंगे, बट मैक स्कॉट भारत का पहला हर्बिसाइड है जो ZC फॉर्मुलेशन में उपलब्ध है। तो ZC फॉर्मुलेशन के क्या फायदे हैं वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। उसके साथ साथ मैक स्कॉट का जो फायदा, अगला फायदा है वो ये, किसी दूसरे फसल मतलब कपास के साथ अगर आप नेक्स्ट किसी दूसरे फसल को अपने खेत में उगाते हैं तो उस पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो आइए मैक स्कॉट के बारे में हम एक छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, मैक स्कॉट है क्या और मैक स्कॉट काम कैसे करता है। मैक स्कॉट एक प्री इमर्जेंस खरपतवार नाशक है जो बुआई के 3 दिनों के भीतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कपास की बुआई के तुरंत बाद मैक स्कॉट इस्तेमाल करें और तनाव मुक्त रहें, क्योंकि शुरुआत सही तो चिंता नहीं। मैक स्कॉट अंकुरित होते सकरी तथा चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित कर प्रदान करता है। 20 से 30 दिन का खरपतवार मुक्त विकास और मैक स्कॉट कपास की फसल पर पूर्णतः सुरक्षित है। ये भारत का सर्वप्रथम खरपतवार नाशक है जो उन्नत ZC फॉर्मुलेशन द्वारा निर्मित है। इस तरह की फॉर्मुलेशन में सक्रिय घटक को पॉलीमर कैप्सूल में आवृत किया जाता है। कई बार छिड़काव उपरांत बारिश या सिंचाई ना होने की स्थिति में खरपतवार तुरंत नहीं उगते। मैक स्कॉट कैप्सूल यथास्थिति में खेत की सतह पर विद्यमान रहते हैं और जैसे ही बारिश होती है या सिंचाई की जाती है तब खेत में खरपतवार तेजी से अंकुरित होने लगते हैं। साथ ही खेत में उपस्थित मैक स्कॉट कैप्सूल अपने भिन्न भिन्न मोटाई के कारण धीरे धीरे जमीन में घुल के अपने अंदर भरे सक्रिय घटक को निस्तारित करने लगते हैं। इससे सक्रिय घटक की उपलब्धता
लंबे समय तक बनी रहती है और खरपतवारों का लंबे समय तक नियंत्रण सुनिश्चित होता है। लगातार बारिश होने की स्थिति में भी खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इस स्थिति में किसान भाइयों को खेत में निराई गुड़ाई या खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। पर अगर बुआई के तुरंत बाद आपने मैक्सकॉट का छिड़काव किया होता है तो आपकी फसल खरपतवार से सुरक्षित रहती है और आपको मिलती है बेहतर पैदावार। जुताई के बाद खेत की सतह पे पुआल और तूड़ी पाई जाने की स्थिति में आम दवा पूर्ण रूप से मिट्टी की सतह तक नहीं पहुंच पाती और परिणाम स्वरूप हमें अनियमित एवं निम्न दर्जे का खरपतवार नियंत्रण मिलता है। किंतु मैक्सकॉट का अत्याधुनिक ZC फॉर्मुलेशन कैप्सूल की मदद से सक्रिय घातक को मिट्टी की सतह तक पहुंचने में अधिक सक्षम है और ऐसी परिस्थिति में बेहतर परिणाम दर्शाता है। तो जैसा कि हमने देखा, मैक्सकॉट अपने आप में एक यूनिक फॉर्मुलेशन है। जैसा मैंने बताया, ये ZC फॉर्मुलेशन है और इसकी खासियत ये है कि इसके सक्रिय तत्व, जिसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के कैप्सूल्स में बंद होते हैं। और जब भी हम मैक्सकॉट का उपयोग अपने खेत में करते हैं, प्लीज कैन आई हैव दिस साइलेंस प्लीज। सो मैक्सकॉट का जब हम उपयोग करते हैं अपने खेतों में, जैसा कि वीडियो में बताया और मैंने बताया कि भिन्न भिन्न मोटाई, मतलब कैप्सूल के साइजेस और उसकी मोटाई अलग अलग होने के वजह से लगातार उसका सक्रिय तत्व, जिसे हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, मिट्टी में रिलीज होता रहता है और उससे हमें खरपतवारों पर नियंत्रण मिलता रहता है। तो आइए आगे देखते हैं कि मैक्सकॉट कैसे खरपतवारों को नियंत्रित करता है, जिसे हम बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन। मैक्सकॉट कार्य प्रणाली, आइए देखते हैं कि मैक्सकॉट काम कैसे करता है। मैक्सकॉट अपनी दोहरी कार्य विधि द्वारा दे खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण। पहली कार्य विधि माइक्रोट्यूबुल अवरोधक, जो मुख्य रूप से उभरते हुए अंकुर और उभरती हुई जड़ों द्वारा अवशोषित हो ट्यूबुलिन प्रोटीन संश्लेषण को बाधित कर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है। कोशिका विभाजन रुक जाने की स्थिति में अंततः खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, एसिटोलैक्टेट सिंथेज ALS अवरोधक, ये जड़ों और पत्तों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है एवं जाइलम और फ्लोएम टिश्यू द्वारा खरपतवारों के बढ़ते हुए तंतु में पहुंच कोशिकाओं की बढ़वार को रोक देता है। ये शाखित श्रृंखला अमीनो एसिड के जैव संश्लेषण को रोकता है, जो पौधों की कोशिकाओं के निर्माण खंड हैं। अंततः आवश्यक अमीनो एसिड की अनुपस्थिति से खरपतवार मर जाते हैं। खरपतवारों पर क्षति के लक्षण, उपचारित खरपतवारों के लक्षणों में छोटे सूजे हुए कॉलोप्टाइल और हाइपोकोटिल शामिल हैं। उपचारित संकरी पत्तों वाले खरपतवारों के बीज अंकुरित हो सकते हैं, लेकिन वे या तो उभरने में विफल हो जाते हैं या गंभीर रूप से अविकसित पौध के रूप में उभर आते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार क्लोरोसिस दिखाते हैं और पत्तियों के निचले हिस्से आमतौर पर बैंगनी या लाल रंग के हो जाते हैं। अंततः ये पत्तियां मुरझाकर नष्ट हो जाती हैं। इस्तेमाल की मात्रा 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ मैक्सकॉट को 200 लीटर पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का समय बुआई के 0 से 3 दिन के भीतर। स्प्रे उपकरण फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोजल से सज्जित नैपसेक स्प्रेयर इस्तेमाल करें। मैक्सकॉट का बहुआयामी खरपतवार नियंत्रण, आइए देखते हैं कि मैक्सकॉट द्वारा कौन कौन से खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए हम देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों का अनुभव मैक्सकॉट को लेके कैसा रहा है। છેલ્લા 16-17-18 વર્ષથી ખેતી કરું છું અને કપાસનું વાવેતર કરી છીએ અમે। મુખ્ય અમારો પાક કપાસ છે અને બીજી બધી ઘણી બધી કંપનીના નિંદામણ નાશક દવાઓ અમે યુઝ કરી છે, પણ જે ગોદરેજ કંપનીનું મેક્સકોટ નામની દવા જે છે ને એનો મેં ઉપયોગ કર્યો હતો। દવા છાંટ્યા પછી 30-35 દિવસ લગી બહુ સારું રિઝલ્ટ આવ્યું। એ ગોલ અને લાંબા પાનનું ફળ તે નાશ કરે છે અને એનું પ્રમાણ રાખવાનું છે એકરે 800 મિલી। સુશ્રીકારી સારી કિસાન ભાઈ, મેરા નામ સુખપાલ, ડાબવાળી પિંડ, મેરા મોબાઈલ નંબર 9460-59-108। મેરે નરમે કે ખેત મેં બિજાઈ કે બાદ એક ડેમો લગા થા ગોદરેજ કંપની કા મેક્સકોટ કા, उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आया। उसके ना तो कोई चौड़ी पत्ती उगरी ना कोई सिकरी। मैं इस दवाई से बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं सभी किसानों को यही अपील करना चाहता हूँ कि इस दवाई का प्रयोग जरूर करें। चलो भैया, हो गई बुआई तो काम खत्म। अरे अभी कहाँ, अभी तो मैक्सकॉट डालना बचा है। पर अभी क्यों, अभी तो अंकुरण भी नहीं हुआ। अच्छा ये बता, ये फोन पे लॉक कोड क्यों लगा रखा है? ताकि कोई कुछ जानकारी मेरे फोन से चुरा ना सके। बिल्कुल सही, वैसे ही मैक्सकॉट हमारे खेत में मानो लॉक का काम करता है, ताकि कोई भी खरपतवार, चाहे चौड़े पत्ते वाले हों या संकरी पत्ते वाले, हमारे कपास की फसल के हक को चुरा ना पाए। गोदरेज द्वारा निर्मित यह खरपतवार नाशक दो सक्रिय संघटकों का मिश्रण है, जो कि बाजार में पहले से उपलब्ध दवाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा असरदार और दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है। और हाँ, भले ही मौसम हाथों या बैल जोड़े द्वारा निराई के अनुकूल हो ना हो, मैक्सकॉट प्रयोग के पहले दिन से ही खरपतवार मुक्त विकास प्रदान कर उत्तम पैदावार सुनिश्चित करता है। क्या बात है, तो क्या बोलते हो तुम, खरपतवार मुक्त कपास के विकास को लॉक किया जाए? बिल्कुल, शुरुआत सही तो चिंता नहीं,